स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेस्ट डिविजिबिलिटी फॉर 5, 10, 25 एंड 5 की पावर ए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एक नंबर हमको गिवन है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये दिया हमको 289048 है ना, ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है ना, एक तमिल लोग मेथड है कि हम 5 से उसको इस तरह से डिवाइड करें है ना और आंसर लेकर आए, वो एक लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और दूसरी मेथड हमारे पास ट्रिक वाली है कि हम डायरेक्ट देखते से ही उसे बता सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल कम्प्लीटली होगा या नहीं होगा। तो वो ट्रिक क्या है, तो हमको सबसे पहले जो है कि यूनिट डिजिट चेक करना है। 5 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट को चेक करना है। क्या चेक करना है, तो लिखिए अपनी कॉपी में कि इफ यूनिट डिजिट हैव 0 और 5 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। समझ में आया इसका मतलब, हमको चेक करना है कि कोई भी एक नंबर वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट को देखो। यूनिट डिजिट पे दो वैल्यू होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर 0 है या 5 है तो वो कंप्लीट नंबर जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 0 और 5 नहीं है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 8 है, ये ना तो 0 है ना 5 है, इसीलिए कंप्लीट नंबर क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर हम लेते हैं 2580695 है ना, ये एक नंबर है, देखना है हमें, चेक करना है 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट पर नजर डालेंगे। यूनिट डिजिट कंटेन्स 5, यानी कि पूरा जो नंबर है ये 2580695 ये क्या होगा, 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ऐसे यूनिट प्लेस पर अगर 0 आएगा तो वो नंबर भी 5 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 425 है ना, पहले हमने 5 के लिए देखा, अब हम 25 के लिए देखते हैं। तो 25 के लिए क्या होगा कॉन्सेप्ट, तो 25 हमको पता है 25 इज इक्वल टू होता है 5 × 5, यानी 5 × 5 कितना होता है 25, और 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, 5 raised to the power 2। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, कोई भी गिवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पढ़ता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर हमारे पास है ना, कोई भी एक नंबर गिवन है। अब हमें चेक करना है कि 25 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या करना, सबसे पहले उसकी एक तो यूनिट डिजिट को देखना है और टेंथ डिजिट को देखना है, यूनिट प्लेस देखना है और टेंथ प्लेस देखना है। अगर ये दोनों, ये दो प्लेसेस 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब कि जो कम्प्लीट नंबर हमको दिया गया है वो 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं 986250 है ना, अब इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमको कि अगर यूनिट प्लेस पर 0 है इसका नंबर, इसका मतलब कि 5 से वो डिविजिबल है। क्या दिख रहा है कि यूनिट प्लेस पर 0 है इसका मतलब 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए हमको 25 के लिए चेक करना है, तो हमको यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस इन दोनों को चेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 50 आया है, 50 क्या 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यस 52 या 50, इसका मतलब कि ये कम्प्लीट नंबर भी 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वो है 5 की पावर n, 5 की पावर n की तरफ है ना, जैसे हमने 2 के कॉन्सेप्ट में भी देखा था 2, 4, 8 और 2 की पावर n के लिए, ऐसा ही 5 के लिए भी है कि अगर कोई एक नंबर हमको गिवन है ना, अगर हमको एक कोई नंबर गिवन है उसकी लास्ट की n डिजिट्स है ना कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 ले लिया है ना, कि अगर उसकी लास्ट की n डिजिट्स 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब कि जो पूरा नंबर है वो 5 की पावर n से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इसका स्टेटमेंट मैंने पिछले वीडियो में भी लिखा,
बताया था 2, 4, 8, 2 की पावर एन वाले वीडियो में भी, कि अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, अगर एक कोई नंबर आपको गिवन है उसके लास्ट के एन डिजिट्स, लास्ट के एन डिजिट्स 5 की पावर एन से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब कि पूरा जो कंप्लीट नंबर है वो 5 की पावर एन से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं।